हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है हेयर वैक्स, जो कि सेटबेट द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। ये बेसिकली स्टाइलिंग हेयर वैक्स है जो कि क्लीन कट शाइन के लिए जानी जाती है, और जो इनका क्रिएशन किया गया है वो हेयर स्टाइलिस्ट जो सेलिब्रिटीज के होते हैं उन्होंने किया है, ऐसा सेटबेट दावा करता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितनी होल्ड है इसकी, और शाइनी इफेक्ट है या कि मेड फिनिश है, आपके हेयर फॉल इसको यूज करने के बाद हो रहे हैं कि नहीं, इसके प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, कहां से आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको बताता हूँ सेटबैक स्टाइलिंग वैक्स क्लीन कट शाइन के बारे में। तो ये प्रोडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, और ऑफलाइन ये फार्मास्यूटिकल्स पे किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। सेटबैक एक फेमस ब्रांड है जो बेसिकली अपने हेयर वैक्स, हेयर शैम्पू, अपने हेयर जेल्स, अपने डिओड्रेंट्स, अपने मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट के लिए बेसिकली जाना जाता है। और ये बेसिकली इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रीज में अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, मैंने इसको परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, जिन्होंने मुझे 2 दिन के अंदर इस प्रोडक्ट को डिलीवर किया। मैं आपको बताता हूँ ये प्रोडक्ट मैंने कितने रुपीज में परचेज किया है। ये प्रोडक्ट के जो प्राइस मेंशन है प्रोडक्ट के ऊपर वो 249 रुपीज है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट की सेल में परचेज किया था, तो मुझे 270 रुपीज में ये दोनों हेयर वैक्स इजिली अवेलेबल हो गई थी, और 2 दिन में डिलीवर भी हुआ है प्रोडक्ट। तो सर्विस बहुत अच्छी है फ्लिपकार्ट की, अगर आप इसे परचेज करना चाहें ऑनलाइन तो फ्लिपकार्ट से जरूर परचेज करें। क्वांटिटी जो मेंशन है प्रोडक्ट के ऊपर वो है 70 ग्राम, तो 70 प्लस 70 ग्राम 140 ग्राम की जो क्वांटिटी है मैंने परचेज करी 270 रुपीज में फ्लिपकार्ट से। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से परचेज कर सकते हैं। मैंने बेसिकली ये प्रोडक्ट 2 हफ्ते यूज किया है, तो 2 हफ्ते यूज करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है आपको जो होल्ड देगा वो मीडियम होल्ड देगा, जैसा कि सेटबेट भी दावा करता है कि ये मीडियम होल्ड देता है, प्लस जो आपके हेयर हैं उसको एक शाइनी इफेक्ट देता है। तो आप इसको अगर यूज करेंगे मॉर्निंग में तो आपको ये होल्ड शाम तक देगा, बट मीडियम होल्ड है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल हेयर आपके जम जाएंगे और उसी जगह पे रहेंगे जिस जैसे आपने मॉर्निंग में सेट करे थे, वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो ये प्रोडक्ट आपके जो हेयर की जो होल्डनेस है उसको इतना नहीं होल्ड कर पाएगा। अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आपको शाइनी इफेक्ट भी मिलेंगे और वो शाइनी इफेक्ट पूरा दिन चलता है। फ्रेग्रेंस के मामले में ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, फ्रेग्रेंस काफी सूदिंग है इस प्रोडक्ट की, और जो फ्रेग्रेंस है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है। हेयर फॉल मेरे को किसी टाइप के हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो अभी तक हुई नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक यूज कर लिया है। जस्ट आपको अपने हेयर को अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं मॉर्निंग में तो आपको इवनिंग में इसको निकालना है और अपने हेयर को मॉइस्चराइज करना है 3 दिन में, हफ्ते में 3 बार शैम्पू करके। आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं प्लस कंडीशनर, और वीकेंड में या फिर वीक में 2 बार आप हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें और देन शैम्पू करें, तो काफी अच्छा रिजल्ट, आपको किसी टाइप की हेयर फॉल की समस्या नहीं आएगी। और प्रोडक्ट इजिली अवेलेबल है, चीप है कंपेयर करें, बट होल्ड के मामले में मैं ये नहीं बोलूंगा कि काफी अच्छे होल्ड दे रहा है। और भी हेयर वैक्स अवेलेबल है, सेटबेट ने अपना हेयर वैक्स रेंज लेके आया है बेसिकली, तो मार्केट में और भी हेयर वैक्स अवेलेबल है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। ये मीडियम होल्ड की हेयर वैक्स है, स्ट्रांग होल्ड भी आता है मेड फिनिश वाला, और जिसमें आपको बिल्कुल भी शाइनी इफेक्ट नहीं मिलेगा और आपको सिर्फ होल्ड होल्ड मिलेगी, वो बेसिकली लॉन्ग हेयर के लिए, और जो एक्स्ट्रा शॉर्ट हेयर होते हैं उनके लिए बेसिकली होता है कि आपको बाल बिल्कुल अगर स्पाइक्स हैं तो वैसे ही करने हैं, पूरा दिन वैसे ही चाहिए, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। मैं जिस प्रोडक्ट को रेट करूंगा अकॉर्डिंग टू मेरी नीड्स के, तो मैं इसको रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5। फ्रेग्रेंस के मामले में बहुत बढ़िया है, कॉम्पिटिटर बहुत है इसी रेंज में, गैट्स भी अपने प्रोडक्ट लेके आता है और उसके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, उसकी हेयर वैक्स काफी अच्छे हैं, तो ये बेसिकली कंपटीशन है गैट्सबी के लिए और जो कंपनीज है हेयर वैक्स प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि सेटबेट एक जाना माना नाम है मार्केट में अपने ग्रूमिंग मैन ग्रूमिंग प्रोडक्ट से लिए। तो मैं इसको 4 रेट करूंगा,
होल्ड मीडियम है, मेरे शॉर्ट हेयर हैं और मेरे को शाइनी इफेक्ट चाहिए था, तो मैंने ये परचेज करी और ये शाइनी इफेक्ट दे रहा है। होल्ड मीडियम है तो मेरे लिए ठीक है, मेरे को बिल्कुल अपने बाल जमाने नहीं होते बिल्कुल, तो शॉर्ट हेयर के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, शॉर्ट टू मीडियम हेयर के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।